আসসালামু আলাইকুম, হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল শাহনাজ মাল্টি কুজিন ফুড। আজ আপ সবিকে সাথে এক স্পাইসি টেস্টি চাইনিজ স্ন্যাক্স রেসিপি শেয়ার করুঙ্গি, চাইনিজ শেজওয়ান ক্যাবেজ পকোড়া। ইয়ে পকোড়া খানে মে বহুত হি টেস্টি হতা হে, বহুত হি জ্যাদা ক্রিস্পি বানতা হে, আর ইসে বানানা বহুত হি ইজি হে। আপ ইস পকোড়া কো স্ন্যাক্স মে তো খাই সকতে হো, ইসে পার্টি মে আপ স্টার্টার কে জায়গা সার্ভ ভি কর সকতে হো। आई होप आप सभी को पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो चलिए चाइनीज़ सेजवान कैबेज पकौड़ा रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पकौड़ा बनाने के लिए देखिए, यहाँ पर हमने 2 कप कैबेज यानी कि पत्ता गोभी ले लिया है। अब हम इसमें 2 टीस्पून अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देंगे। 2 से 3 टेबलस्पून हमने सेजवान सॉस ऐड कर देंगे। इस सेजवान सॉस का रेसिपी आपको मेरी चैनल में मिल जाएगा, आप मेरी चैनल सर्च करके देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ जाकर चेक भी कर सकते हो। अब नमक दे देंगे स्वाद अनुसार, सेजवान सॉस आप अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हो। 1 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर ऐड कर देंगे। 1 कप स्प्रिंग अनियन ऐड कर देंगे। अब 3 से 4 टेबलस्पून राइस फ्लावर यानी कि चावल के आटा ऐड कर देंगे। 3 से 4 टेबलस्पून रिफाइंड फ्लावर यानी कि मैदा ऐड कर देंगे। अब 3 से 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास सेजवान सॉस नहीं है तो आप टोमेटो सॉस, चिली सॉस, विनेगर और सोया सॉस थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर हमने फ्लावर थोड़ा सा कम लगा इसलिए मैंने और थोड़ा सा ऐड किया है। तो आप फिर से सब कुछ एक साथ मिक्स कर लेंगे। तो तेल हमने पहले से गर्म होने के लिए रख दी थी, अब हम इसमें पकौड़ा के सेम में एक एक करके छोड़ देंगे। तो अभी हम इसे बिल्कुल टच नहीं करेंगे, थोड़ा सा जब हार्ड हो जाएगा तब भी हम इसे पलटी कर देंगे। तो देखिए, अब ये थोड़ा सा हार्ड हो गया है, अब हम इसे एक एक करके पलटी कर देंगे। तो इस तरह से हम इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन कलर नहीं हो जाता। तो देखिए, अभी आप देख सकते हैं एक क्रिस्पी भी लग रहा है और अच्छा नाइस गोल्डन कलर भी आ गया है। तो अब हम इसे तेल से निकाल लेंगे टिश्यू पेपर के ऊपर। तो सेम प्रोसेस में बाकी का पकौड़ा भी हम फ्राई कर लेंगे। तो आप सेजवान चटनी के साथ इस पकौड़ा को हमने गरम गरम सर्व कर देंगे, क्योंकि सेजवान चटनी के साथ ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए, बहुत ही क्रिस्पी हुआ है, दिखने में बहुत ही खूबसूरत हुआ है और बहुत ही टेस्टी बनी है। तो स्पाइसी टेस्टी चाइनीज सेजवान कैबेज पकौड़ा बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो आप इसे स्नैक्स में भी खा सकते हो, पार्टी में भी आप इसे सर्व कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो प्लीज़ इस विंटर में एक बार इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप सभी को बहुत पसंद आएगी, सभी ने बहुत एंजॉय करेगी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।